नमस्कार। इंदिरा पॉइंट के नाम से प्रसिद्ध यह जगह एक आइलैंड अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित कैंबल बे आइलैंड, जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ। और आज मैं आपको मिलवाऊँगी कि इस आइलैंड पे जो सबसे पहली जो फैमिली आके बसी थी, जिन लोगों को यह आइलैंड पे बसाया गया था, उनमें से एक आज मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ और उनसे जानते हैं कि इस आइलैंड में वो कैसे आए, कितने साल पहले आए और तब यहाँ कैसा था, अब ये आइलैंड कैसा है। सारी जानकारी वो हमें देंगे। आज हम उनके मुख से खुद ही जानते हैं इस जगह के बारे में। नमस्कार जी, हम कैंबल बे के सबसे पहले यहाँ आए हुए सेटलर हैं। 69 में आए थे मेरे फादर और मैं, 11 साल की मेरी उम्र थी। और हम बहुत तकलीफें यहाँ देखी हैं। और ये गुरुद्वारा साहब है, सुनामी से पहले इसका रख दिया गया नींव पत्थर रखा था और अभी तो 2-4 साल के बाद ही बना। यहाँ पर यहाँ जगह खड़े हम लोग, इसी जगह में गुरुद्वारा था, तो लकड़ी का गुरुद्वारा था, तो वॉश आउट हो गया ये सुनामी के पीरियड में। और मेरी उम्र 11 साल की थी मैं जब आया था यहाँ पर। फिर मैंने पढ़ लिख के टीचर बना, मैंने पहले आर्मी में गया, मैं आर्मी भर्ती हुआ मैं, फिर NCC में कमीशन लिया एज ए लेफ्टिनेंट, फुल लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर तक मैं हूँ। अभी मैं रिटायरमेंट हूँ, लेकिन अभी भी मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, बुलेट ड्यूटी NCC में कर रहा हूँ। और ये जो हमारे बुजुर्गों के मतलब हमारे 100 फैमिली है, उनके नाम है, फोटो ले लीजिए इनकी, एक बार फुल फोटो ले लीजिए। और ये 36 में हमारे फादर का नाम है नायब सूबेदार गुरचरण सिंह। अच्छा। मेरी मदर है अमरजीत कौर। हम पंजाब से डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से आए हुए हैं। अच्छा। तो और ये हमारे गुरुद्वारे की 5 एकड़ जमीन है। और हम लोग 100 फैमिली पहले आए थे और उसके बाद में हर स्टेट से आए हैं, यानी कि हरियाणा से 5-6 फैमिली, महाराष्ट्र से 40 फैमिली आई, एक्स सर्विसमैन, उसमें आर्मी के भी हैं, नेवी के भी हैं, एयरफोर्स के भी हैं। और जैसे फर्स्ट में हम आए तो यहाँ हम लोग रहे और उसके बाद में फिर जैसे जमीन क्लियरेंस हुई जोगिंदर नगर, गोविंद नगर, उसके बाद फिर 35 किलोमीटर में है, फिर किलोमीटर के हिसाब से रखी, और उससे लास्ट में है यहाँ का इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा गांधी की देन है, हमको यहाँ लाया गया भूतपूर्व सैनिकों को। तो हर स्टेट से मतलब आए हैं यहाँ हम लोग, 330 के करीब भूतपूर्व सैनिक हैं। अच्छा। यानी कि साउथ इंडियन भी हैं, आंध्र प्रदेश के भी हैं, केरला के भी हैं और बंगाली फैमिली भी है, 5-6 फैमिली, और आपके उत्तरांचल के भी 5 फैमिली हैं। अच्छा। मूर सिंह रावत हैं क्या क्या, और जैसे हिमाचल की भी बस 5-5 करीब हैं। तो आप इतने सालों से यहाँ पर हैं जी, तो अब आप इतने सालों बाद देखते हैं यहाँ क्या बदलाव हुआ है, आज भी वैसा ही है या चेंजेस? नहीं, बहुत फर्क पड़ा। पहले यहाँ कुछ नहीं था, जंगल था एकदम बिल्कुल, यहाँ कुछ नहीं था। जिस जगह खड़े हैं ये जैसे बाज है, ये जगह हमारी खेती थी हमारी। अच्छा। टेम्प्रेरी। और उसके बाद में फिर मैं आर्मी से आने के बाद में मैं टीचर बना, मैं 32 ईयर्स टीचर रहा। अच्छा। फिर मैं शोम्पेन यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनका मैं टीचर रहा हूँ 6 साल। अरे। मैं उनको पढ़ाता रहा, पढ़ाना क्या होता है, उनको मेहनत सिखाने पड़ते हैं, उनको लिखा पढ़ी नहीं सिखाते हैं। और बाकी आइलैंड के मैंने बहुत बार चक्कर लगाए हैं। अच्छा। मतलब उनके साथ मैं सर्वे करते हैं, जैसे हमें वोटर लिस्ट में नाम लिखना, ये काम करना, टीचर का काम ड्यूटी होती है, तो मैं वॉलंटियर ड्यूटी पे जाता था। अच्छा। तो अभी फिलहाल अभी मैं 65 साल से ऊपर मेरी वही चल रही है, 11 साल का आया था यहाँ पर। तो अभी भी मैं मतलब जो जितना मेरे से हो पता है गुरुद्वारे की सेवा, मंदिर में भी जाता हूँ, वहाँ भी हमारे पोर्टल में चिन्ह में मिशन है, वहाँ भी सेवा करता हूँ मैं। तो आपका मेनलैंड जाना होता है? मेनलैंड में डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में मेरा घर है, मेरा एक बेटा है और स्वराजदी शिप में ड्यूटी कर रहा है वो। अच्छा। BSc नर्सिंग करके। तो मेनलैंड से यहाँ पे ज्यादा शांति है एक आइलैंड में? यहाँ पर शांति है, वहाँ पर तो आदमी की सेफ्टी नहीं है जी। हाँ, थोड़ी यहाँ महंगाई है, महंगाई बहुत है, क्योंकि यहाँ के यहाँ से मुश्किल है, बंदर यहाँ के बंदर हमें बहुत तंग करते हैं। हम मेरे घर में पहले काफी फल फ्रूट थे, अब नहीं है ना, तो केला चीकू होते हैं यहाँ, और जो है नारियल है, नारियल को कच्चे को ही गिरा देते हैं। हमें जो किसान की यहाँ मतलब मेन इनकम है उसे परेशानी ली, जो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, मेरी पेंशन मिल रही है तो मेरा गुजारा हो रहा है जी। आजकल नौकरी की बड़ी मुश्किल है बच्चों को,
अभी बेटा मेरा तो अभी बड़ी मुश्किल से अभी 2-3 महीने पहले सर्विस मिली है इसमें मर्चेंट नेवी, तो अभी चलो मिलता रहेगा धीरे धीरे तो सर्विस से। मतलब खेती से यहाँ पे ज्यादा खेती बाड़ी यही है, नारियल है, सुपारी है, दालचीनी बहुत है, जहाँ सभी लोग मिलते हैं, सभी स्टेट के आते हैं, भाईचारा है, शांति है यहाँ पर। तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।